प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में थ्योरी जो है कम्प्लीट हो गई थी। अब उसके आगे इसमें आंकिक प्रश्न है, तो इस वीडियो में हम तीन आंकिक प्रश्न लेके आए हैं। तीनों आंकिक प्रश्नों को आपको लगाकर समझाया जा रहा है, इसको ध्यान से समझिए। तो पहला जो प्रश्न है, एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी, कोई चालक पदार्थ है जिस पर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप ये सब इलेक्ट्रॉनों की कमी नहीं, किसी चालक में कमी रहती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो उस पदार्थ पे जो है कैसे किस प्रकार की प्रकृति हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। और यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता रहती है तो पदार्थ जो है ऋणावेशित होता है। तो जैसे इसमें दिया है चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन ध्यान है, एन बराबर दिया है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। इस पर आवेश की मात्रा बताना है, तो आप जानते हैं Q बराबर Ne होता है, किसी भी चालक में कुल आवेश की मात्रा, Q बराबर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा, गुणा कर देते हैं कुल आवेश आ जाता है। हमें आवेश निकालना है, Q बराबर N 500 दिया है, और E जो है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप जानते हैं 1.6×10⁻¹ कूलम होता है, ठीक है। इसको गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 185, ठीक, 20 एक ऊपर दशमलव लग जाएगा, 1.10⁻¹, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 20 कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 8×10⁻¹, ये कम हो जाएगा −17, ये कूलम, ठीक। और प्रकृति क्या हो जाएगी, धनावेशित पदार्थ कैसा होगा, धनावेशित होगा। तो एक चालक पर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है, n बराबर दिया है, जो हमें निकालना है q बराबर n फार्मूला होता है, n का मान 500 रख दिए, t का मान 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, गुणा कर देते हैं तो हमें मिलता है 8×10⁻¹ कूलम, ठीक है। और इसकी प्रकृति क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है इसलिए इसकी जो प्रकृति होगी वो पदार्थ क्या होगा, वो धनावेशित होगा, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न दिए रहते हैं, तो इस प्रकार से सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, यह विशुद्ध जल का परावैद्युतांक को कैसे दिखाते हैं, k बराबर दिया 81, तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, ठीक है। यानी एप्सिलॉन का मान पूछना है क्या होगा। आप जानते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा, k बराबर होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और निवाह की वैद्युतशीलता का अनुपात जो है उस माध्यम का परावैद्युतांक कहलाता है। यहाँ से आपको एप्सिलॉन का मान निकालना है, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा k/0, k का मान 81 दिया है, एप्सिलॉन निवाह की वैद्युतशीलता है, इसका मान होता है 8.85×10⁻¹, ठीक है। इन दोनों को गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 8.17, ठीक है, हो जाएगा 8.17×10⁻¹⁰ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। के बराबर एप्सिलॉन 0, यानी एप्सिलॉन का मान निकालना है, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा k/0, ठीक है। k का मान 81 है, एप्सिलॉन 0 का मान है 8.85×10⁻¹, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मिल जाएगा 8.17×10⁻¹⁰ कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इस प्रकार से ये क्वेश्चन दूसरा सॉल्व हो गया, और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, ठीक है। यानी दोनों प्रोटॉन है, दोनों ही आवेशित कण हैं, समान हैं, इसलिए इसमें प्रतिकर्षण होगा, समान आवेश के हैं। तो दो प्रोटॉन हैं, दोनों पे आवेश आप जानते हैं, प्रोटॉन q1 = q2 = 1.6×10⁻¹⁹ कूलम, ठीक। और प्रतिकर्षण बल यह का मान निकालना है, और जो उनके बीच की दूरी दिया है 4×10⁻¹⁵ मीटर। आप जानते हैं दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के संबंध में कूलम ने एक नियम दिया है, एफ बराबर उनके बीच लगने वाला बल का, बल के संबंध में F बराबर 1/4π0q1q2/r2, ये फार्मूला होता है, वैल्यू इसी फार्मूले में हम रख देते हैं, क्योंकि बीच लगने वाले बल का मान आ जाएगा F बराबर, देखिए ये नेतांक है 1/4π0, इसका मान जो होता है 9×10⁻¹ होता है, आवेश दोनों प्रोटॉन है, दोनों पे आवेश समान धनावेशित है, 1.6×10⁻¹⁹ q1, और उतना ही आवेश दूसरे प्रोटॉन पर भी होगा, उनके बीच की दूरी आर स्क्वायर है, आर का मान क्वेश्चन दिया है 4×10⁻¹⁵ का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसका स्क्वायर करते हैं तो 4×16 और 10⁻³० ऊपर गुणा कर लेते हैं, 9×10⁻¹⁵ = 256, तो अभी गुणा नहीं करते कैंसिल हो जाएगा, फिर से इसको देखते हैं, 9×1.6×1.6
19 दुना 38, 38 से 9 कम हो जाएगा माइनस 29 बटे 4 चौक 16 गुणे 10 का माइनस 30 हो गया। ये 16 से इसको से कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 0.1 बचेगा, ठीक है। इसके बाद ये माइनस 30 ऊपर जाएगा प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 30 हो जाएगा तो 29 से 30 कम हो जाएगा 10 बचेगा, 10 को 0.1 मोड़ा कर देंगे तो 1 आ जाएगा और 16 9 144 एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, इतना बचेगा ही न्यूटन, ठीक है, क्योंकि बल का मात्रा न्यूटन होता है। इसलिए इस प्रकार से इसका जो दोनों आवेशों के बीच दिया दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जब उनके बीच की दूरी 4×10^-15 मीटर है। यहाँ से देखिए Q1 Q2 दिया है, दोनों प्रोटॉन है, दोनों पर समान आवेश होगा। यह का मान निकालना है प्रतिकर्षण बल, ठीक है, आर का मान भी दिया है, दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी दिया है। तो कूलाम के नियम से एफ बराबर 1/4π0 Q1 Q2 r² होता है, फार्मूला है, इसमें वैल्यू रख देते हैं। एफ बराबर इसका जो नियतांक है 1/4π0, इसका मान होता है 9×10^9। Q1 Q2 सेम है, दोनों प्रोटॉन है, अपान आर स्क्वायर है, ठीक है। इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने के बाद हमें यह का मान प्राप्त होता है 14.4 न्यूटन, ठीक है। कहने का मतलब है दोनों प्रोटॉनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो 14.4 न्यूटन है, ठीक है। इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन लग गए। इस प्रकार के क्वेश्चन आप और अभ्यास पुस्तिका से लगाइएगा किताब से देखकर, और जो अनुमान है आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे, ठीक है, और भी सवाल लगाइएगा अगले वीडियो में और भी सवाल बताते हैं।